हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा मैं कहाँ पे हूँ। और उससे पहले मैं आपको कुछ भी बताऊँ, आप एक बार जल्दी से मेरे होटल से बाहर का व्यू देख लो। और मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की, तो मैं दिल्ली से सुबह 5 बजे की फ़्लाइट लिया था एतिहाद एयरवेज की। मैं उसका सिर्फ पे किया मात्र 6,000 रुपये पर पर्सन। हाँ, उसमें चेक इन बैग अलाउड नहीं था, सिर्फ 7 kg अलाउड था। तो हम अपना बैकपैक लेके आए हैं कुछ ऐसा, और एक और बैग है वो वाला। तो टोटल हम 2 लोग आए हैं और 14 kg में हो गया, क्योंकि 5 दिन के लिए आए हैं, 5 दिन के लिए काफ़ी होता है। और हाँ, होटल की भी बात कर लेते हैं। तो जो होटल है, व्यू तो आपने देख ही लिया होगा, कुछ ऐसा है यहाँ का व्यू। एक छोटा सा आपको रूम टूर दे देता हूँ, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, नॉर्मल सा है। वहाँ से आप आओगे, यहाँ पे एक बाथरूम है, मैं आपको बाथरूम भी दिखा देता हूँ। तो ये बाथरूम है, यहाँ पे शावर एरिया है, और कुछ ऐसा है बाथरूम यहाँ का। इसका होटल का मैंने पे किया है 12,000 4 रात के लिए। तो हम यहाँ पे 5 दिन और 4 रात बिताएंगे। तो बस ऐसे ही है यार, जल्दी से फ्रेशन अप होते हैं, उसके बाद आज का दिन शुरू करेंगे। 1 hour later। तो यार अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, और बस अभी होटल से निकले हैं। ये जो जस्ट पीछे में है हमारा होटल, और मेट्रो स्टेशन से करीबन 600 मीटर का वॉक है। अभी मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ से अभी लंच करेंगे, और लंच करने के लिए हम इंडियन रेस्टोरेंट ही जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या खाते हैं। तो अभी हमने खाया रोटी, हमने ऑर्डर किया था टोटल 6 रोटी और उसके साथ पनीर लबाबदार की सब्ज़ी। तो टोटल हम लोग को पड़ा इसका 24.5 दिरहम। तो यहाँ पे मेट्रो के लिए आपको ये सिल्वर नॉल कार्ड होता है, इसको लेना पड़ता है। और इसका जो है ये आप किसी भी मेट्रो स्टेशन से ले सकते हो, 25 दिरहम का पड़ता है, जिसमें आपको 19 दिरहम का बैलेंस मिलता है, और 6 दिरहम जो होता है वो शायद डिपॉजिट होता है। तो ऐसा कुछ है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है सिल्वर नॉल कार्ड। नॉल कार्ड है, उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, मेट्रो में, बसेस में, तो काफ़ी हर जगह यूज़ होता है और वाइडली एक्सेप्टेबल है। ये सिर्फ दुबई में यूज़ होता है, अबू धाबी वगैरह में यूज़ नहीं होता है, शारजा में यूज़ नहीं होता है, तो इसका ध्यान रखना। ये मैं आ चुका हूँ स्काई व्यूज ऑब्जर्वेटरी में, बुर्ज खलीफा के जस्ट अपोजिट ही है ये बिल्डिंग। यहाँ पे आने का मतलब मेन मकसद यही रहता है कि बुर्ज खलीफा का व्यू दिख जाए, क्योंकि आप बुर्ज खलीफा जाओगे तो आप बुर्ज खलीफा नहीं देख पाओगे। मेरे को मेनली बुर्ज खलीफा देखना था तो मैं यहाँ आया। और मैं सजेस्ट करता हूँ आप आओ यहाँ पे, काउंटर का टिकट प्राइस चेक कर लो, और ऑनलाइन जो भी साइट्स होती हैं, 3Rupiya, हेड आउट एंड वॉट नॉट, वहाँ पे प्राइस चेक कर लो, और आपको जहाँ पे सस्ता मिल रहा है वो ले लो। तो मैंने भी ऐसा ही किया। यहाँ का मैंने पे किया है 144 दिरहम्स 2 लोगों का, यानी कि पर पर्सन लग गया 72 दिरहम। और इसकी टिकट जो है मैंने ऑनलाइन ली, मैंने हेड आउट से ख़रीदा। तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो डायरेक्टली स्काई व्यूज ऑब्जर्वेटरी में, बुर्ज खलीफा मेट्रो स्टेशन के एकदम पास में ही है। जैसे ही आप एग्जिट करोगे आप राइट साइड में आपको मिल जाएगा स्काई व्यूज ऑब्जर्वेटरी। और ये है यहाँ का व्यू, जो कि बहुत सुंदर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे ऐसे ग्लास स्लाइड्स भी हैं, मतलब कैमरा तो बिल्कुल भी जस्टिस नहीं करेगा, बट जब पहली बार आओ, अब तो मैं नॉर्मलाइज हो गया है, काफ़ी देर से मैं यहाँ हूँ, लेकिन जब पहली बार आओ तो पहला स्टेप रखने में थोड़ी तो मतलब एक फीलिंग सी आती है, डर सा लगता है, पर ऐसा है। और ये मैं इसके अपोजिट साइड भी आ गया हूँ, तो ये पूरा 360 जैसा है, चारों तरफ का व्यू देख सकते हो यहाँ से। तो दूसरे साइड से भी कुछ ऐसा है व्यू। और ये है शेख जायद रोड, और यहाँ की आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो यार, ये बहुत बढ़िया लगा मेरे को।
तो आप लोग ये जो टोयोटा की बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये दुबई की वन ऑफ दी ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स में से है और इसी के अराउंड दुबई का पूरा शहर इवॉल्व हुआ है। ऐसा था स्काई व्यूज ऑब्जर्वेटरी। अभी हम लोग दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन, जो कि जस्ट स्काई व्यूज ऑब्जर्वेटरी के बगल में ही है, वहीं से एक एरो ब्रिज जाता है सीधा दुबई मॉल के लिए, जहाँ पे बुर्ज खलीफा भी है। तो अभी मैं उसी में हूँ। अच्छा है, काफ़ी एयर कंडीशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूर है यहाँ से तो करीब 700-800 मीटर तो वॉक करना पड़ता है, और फिर उसके बाद हम पहुँच जाते हैं बुर्ज खलीफा या दुबई मॉल, क्योंकि दुबई मॉल के अंदर ही है बुर्ज खलीफा। और कुछ ऐसा है एरो ब्रिज, मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त मैं आ चुका हूँ दुबई मॉल में, मैं और दुबई मॉल कुछ ऐसा है। सामने जो है नाइकी का स्टोर है, काफ़ी सारे स्टोर्स हैं यहाँ पे, सारे जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हैं ऑलमोस्ट सारे ही हैं। अब इसमें क्या ही दिखाना है सच। अभी मैं जाऊँगा नाइकी के स्टोर में, देखता हूँ अगर कुछ पसंद आया तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो, ये जो है ये है दुबई एक्वेरियम। और दुबई मॉल आप आओगे तो बाहर से कुछ ऐसा आप देख सकते हो, लेकिन आप इसके अंदर भी जा सकते हो एंट्री फीस देके। और इसके अलग अलग पैकेजेस होते हैं, मैं लोगों को देख पा रहा हूँ यहाँ से, लोग इसके अंदर डाइव भी कर रहे हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो इसके अलग अलग पैकेज होते हैं, लेकिन अगर आप पैसा नहीं देना चाहते हो सिर्फ बाहर से देखना चाहते हो, तो बाहर से भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा वैरायटी के मछली थे यार वहाँ पे, बहुत ही बढ़िया था। मैंने तो बाहर से ही देखा, फ्री में देखा, पर आई गेस जो अंदर जाएगा उसका एक्सपीरियंस और भी अच्छा होगा। पर बाहर से भी काफ़ी सारी वैरायटी देखने को मिली। अभी मैं हूँ बुर्ज पार्क में, और अभी जो आपने देखा वो था द दुबई फाउंटेन। जस्ट दुबई मॉल के बाहर ही है, आपको दुबई मॉल के अंदर से साइन बोर्ड मिल जाएगा। और दुबई मॉल काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन अगर आप साइन बोर्ड्स को फॉलो करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यार ये था स्काई व्यूज़ ऑब्जर्वेटरी, दुबई मॉल, दुबई फाउंटेन, दुबई एक्वेरियम, बुर्ज पार्क और बुर्ज खलीफा। ये सारे जगह जो मैंने दिखाई ये सब आसपास ही है, और एक सिंगल मेट्रो स्टेशन ही आपको उतरना पड़ता है, और मेट्रो स्टेशन का नाम है दुबई मॉल बुर्ज खलीफा। भी बहुत सारी जगह जाना है, तो आप बने रहो चैनल में। अभी चलते हैं जल्दी से अपने होटल की ओर।